है रंग से ये सब लोग कह लिया है। अरे तुम्हारी बोली थी ना कि ठंडे दिमाग से सोचो, ठंडे दिमाग से सोचो, सोच लिए ठंडे दिमाग से। यही लिए हमने इन पंचों को बुलाया ताकि कोई ना कहे कि हम गलत किए। कमाल की बात यह है कि पंच लोगन भी हमारी बात से सहमत, ये मानते हैं कि उच्च रैया ने बहुत बड़ा गुनाह किया। और उसे उसी हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। सब कहा तमाशा शुरू किए। अरे का चिरैया को वह सजा मिलेगी जो हवेली मां चोरी करने वालों को मिलती है। तुम कौन होते हो किसी को सजा देने वाले? अरे हम कहा दे रहे हैं सजा? सजा देने का काम तो पंचों का है। तुम्हारे बाबूजी यहाँ नहीं है, फिर भी तुम वो आएंगे तो क्या जवाब दोगे? अरे उनकी चिंता छोड़िए ना, काहे चिंता कर रही। समझा देंगे उनको। और एक पंच लोगन है ना तो सच्चाई बताने वास्ते, और वैसे भी बाबूजी का उम्र हो गया, कब तक रहेंगे वो? ओकरे बाद हम ही तो हैं जो ये सब संभालेंगे। घर का बड़ा बेटा है हम, ये सब करना हमारा काम है। ये लिए आप बस चुप रहिए, चुप। मर्दों का काम है, मर्दों को करने दीजिए।